नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के एक जाने मानी अभिनेत्री सुषम बेदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो हिंदी उर्दू फ्लैगशिप के जीशु शंकर जी ने जाने माने हिंदी लेखिका और अभिनेत्री सुषम बेदी के साथ उनके हिंदी साहित्य के सफर पर चर्चा करी है। इस इंटरव्यू में बेदी ने भारत में अपने बचपन और किशोर अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने अपने अभिनय करियर और अपनी सबसे प्रसिद्ध कहानियों के लिए प्रेरणा के कुछ स्रोतों का वर्णन भी किया है। यह साक्षात्कार इंटरमीडिएट हिंदी छात्रों के लिए एक अद्भुत श्रवण बोध अभ्यास है और एक हिंदी लेखिका के जीवन में एक आकर्षक अंधदृष्टि है। तो बेदी कई प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासों और कहानियों की लेखिका है। इनमें से दो उपन्यास हवन और वापसी का उर्दू में अनुवाद किया गया है और पाकिस्तान में प्रकाशित किया गया। तो वह बताती है कि वह कैसे अलग अलग जगह हवन में बैठी और उससे उनकी बहन को भी हवन करने का शौक चढ़ गया था, तब उन्होंने हवन के बारे में लिखा था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने कम शब्दों में काफी चीजों को मिलाने की कोशिश करी थी और उनका उपन्यास के लिए उनकी दोस्त ने यह भी कहा था कि वह तो इतने में काफी उपन्यास लिख देती। तो बेदी एक दशक से अधिक समय में हिंदी भाषण शिक्षा में शामिल थी। वह कोलंबिया महाविश्वविद्यालय में एक हिंदी की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के साथ अपने काम के अलावा बेदी का एक मंच और स्क्रीन अभिनेत्री के रूप में भी बहुत सफल करियर रह चुका है। उन्होंने 1960 और 70 के दशक के दौरान कई प्रसिद्ध हिंदी थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। हाल ही में उन्होंने कई अमेरिकन टीवी शो भी करे हैं, जैसे कि ट्रू क्राइम्स, थर्ड वॉच, लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने कई फिल्मों में भी काम करा है, जैसे कि गुरु और ABCD। बेदी की कहानियां और उपन्यास प्रवासी भारतीयों के जीवन के दर्द गिर्द घूमते हैं। वह उनकी पहचान, उनके संघर्षों और उनकी आशाओं और अपने बारीकियों से उकेरती हैं। उनकी कहानियां मानवीय रिश्तों, सांस्कृतिक संघर्ष और आत्मखोज की भी खोज करती है। और बेदी जी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था। 8वीं कक्षा में उन्हें कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में चूज करने को कहा गया, तो उन्होंने हिंदी को चूज करा और फिर उन्हें मानव और विज्ञान पे एक ऐसे लिखने को कहा गया, जिसकी शुरुआत उन्होंने इस लाइन से करी कि मानव और विज्ञान दोनों परिवर्तनशील हैं। तो उन्होंने इस ऐसे में अपनी बहन की मदद भी ली थी। उनके ऐसे की काफी तारीफ करी गई और उन्हें यह ऐसे पूरी क्लास के सामने पढ़कर भी सुनाने को कहा गया। आगे से उनके हर हिंदी काम की बहुत प्रसन्नता करी गई और उनकी हिंदी में रुचि बढ़ती गई।